आखिर लालू की पांचवी बेटी क्यों आई आयकर विभाग के रडार पर? बेनामी संपत्ति मामले में लालू की लाडली हेमा यादव पर कसेगा शिकंजा। बेनामी संपत्ति मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस मामले में परिवार के कई सदस्य पहले से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं और अब लालू की पांचवी बेटी हेमा यादव पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग जल्द ही बेनामी संपत्ति मामले में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी पांचवी बेटी हेमा यादव से पूछताछ कर सकती है। ऐसे में ये पूछताछ पटना के फुलवारी शरीफ और दानापुर के प्लॉट को लेकर होगी। खबर है कि आयकर विभाग इसको लेकर राबड़ी देवी और हेमा यादव को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि पटना आयकर विभाग की टीम राबड़ी देवी और उनकी बेटी हेमा यादव के प्लॉट्स को जब्त भी कर सकती है। खबर के मुताबिक लालू परिवार के पर्सनल स्टाफ रहे हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी ने ये प्लॉट राबड़ी देवी और हेमा यादव को गिफ्ट में दिए थे। राबड़ी देवी के नाम पर जहां सिर्फ दानापुर की जमीन है, वहीं हेमा के नाम पर फुरवारी शरीफ और दानापुर में प्लॉट है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे मामले की जांच में लगी आयकर विभाग की टीम ने पाया है कि दोनों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो करोड़ों की जमीन खरीद सके या गिफ्ट में दे सके। इस तथ्य के सामने आने के बाद दिल्ली आयकर विभाग की टीम ने पटना टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से आयकर विभाग पहले से ही पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अब हेमा यादव से पहली बार किसी तरह की पूछताछ की जाएगी। इंडिया न्यूज़ वारेन की रिपोर्ट।